हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड किंग। सो फ्रेंड्स, आज बिना कुछ बोले ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैजिशियन कार्ड को दर्शक को दिखा देता है और दर्शक को सेटिस्फेक्शन दिलाता है कि कार्ड नॉर्मल है। फिर मैजिशियन चार कार्ड निकालता है, चार किंग्स को निकालता है। ये एक डायमंड किंग और भी तीन किंग को निकालता है और ये लास्ट में डायमंड किंग को भी निकाल लेता है। उसके बाद मैजिशियन ताश को मिक्स करता है और एक स्प्रेड बनाता है और सामने बैठे दर्शक को कहता है कि इन कार्ड में से कोई एक कार्ड को चूज कर लो। जो दर्शक हैं देखते हैं ताश को और वो सिलेक्ट करते हैं एस ऑफ स्पेड्स को। ये बिल्कुल फ्री चॉइस था, दर्शक कोई भी कार्ड को चूज कर सकते थे। अब मैजिशियन कहता है अब बाकी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो मैजिक दिखाने वाला हूँ वो मैं बस इन्हीं पांच कार्ड्स में दिखाने वाला हूँ। इतना कह के मैजिशियन चारों किंग्स को अपने हाथ में लेता है और फ्रंट और बैक में दिखा देता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद मैजिशियन जो दर्शक का चूज किया हुआ ए सब स्पेट्स है उसको दिखाता है और दर्शक को कहता है आप इस पे फोकस कीजिए क्योंकि यही कार्ड हमारा फोकस कार्ड होने वाला है। इतना कह के जो ए सब स्पेट्स है उसको फेस डाउन कर लेता है मैजिशियन और इसको टेबल में रख देता है और दर्शक को कहता है ध्यान रखिएगा कि वो ए सब स्पेड्स है। अब मैजिशियन कहता है मेरे पास चार किंग्स ही बचे हैं। उसके बाद मैजिशियन सबसे ऊपर वाला किंग को दिखाता है दर्शक को और कहता है ये एक ब्लैक किंग है, आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक किंग है और मैं क्या करूँगा और एक ब्लैक किंग को निकालूँगा और दो ब्लैक किंग को मैं ऐसे सैंडविच बना दूंगा और दोनों ब्लैक किंग के बीच में मैं आपका जो चूज किया हुआ कार्ड है ये सब स्पेट्स है उसको मैं रख दूंगा और बाकी जो मेरे पास दो कार्ड हैं इसको मैं टेबल में यहाँ पे रख दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोलता है मैजिशियन कि आपका जो चूज किया हुआ कार्ड दो किंग के बीच में सैंडविच बना रखा है। लेकिन मैजिशियन एक मैजिकल जेस्चर करता है और कहता है कि आपका जो चूज किया हुआ कार्ड ये सब स्पेड्स अब दोनों किंग के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन मैं जब एक मैजिकल स्नैप करूंगा और मैजिशियन दोनों किंग्स को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता है और जो ये सब स्पेड्स है उसको थोड़ा सा साइड कर लेता है और एक मैजिकल टैप करता है कार्ड के ऊपर। तो उसके बाद देखिए एक नहीं बल्कि दो कार्ड निकल आते हैं और जो दोनों कार्ड हैं वो दो किंग हैं, यानी कि जो एस ऑफ स्पेड्स है वो टेलीपोर्ट होके चला गया और यहाँ पे जो एस ऑफ स्पेड्स है वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आ गया और वाकई ये एस ऑफ स्पेड्स ही है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलो चलते हैं, इसको सीखते हैं, यानी कि इसकी ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, इसको करना बहुत ही आसान है लेकिन उसको करने के लिए आपको दो चार मूव सीखना पड़ेगा। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप चार किंग्स को निकाल लीजिए, चार जैक भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई एक कार्ड को चूज करने के लिए बोलिए दर्शक को। मान लीजिए अभी दर्शक ने इस बार सेवन अप क्लब्स चूज किया। अब आपको क्या करना है, जो चार किंग हो जो चार किंग को सबसे पहले पकड़ लेना है आपको। आप कोई भी किंग को ऊपर कोई भी किंग को नीचे पकड़ सकते हैं लेकिन सीक्वेंस उसी हिसाब से बनेगा। तो और आपको क्या करना है, जैसे जब दिखा रहे होंगे सेवन अप क्लब्स को, आपको एक पिंकी ब्रिक ले लेना है एक कार्ड के ऊपर और जब सेवन अप क्लब्स को रखेंगे तो आपका दो कार्ड के ऊपर ब्रेक है। उसके बाद
ऐसे फेस डाउन कीजिए सेवन अप क्लब्स को, साथ ही साथ जो बाकी दो कार्ड हैं उसको भी पलट दीजिए। अब आप एक कार्ड को यहाँ पे रखिए, लेकिन असल में आपने किंग को रख रहे हैं, बट असल में दर्शक को लगेगा आपने वो सेवन अप क्लब्स को वहाँ पे रखा, जबकि वो सेवन अप क्लब्स जो है वो डेक के टॉप में है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी करना ज़रूरी है क्योंकि आपको सेवन अप क्लब्स को बॉटम में लाना है, तो इसीलिए आप ऐसे कार्ड ले लीजिए, बोलिए कि मेरे पास चार कार्ड है, ये दिखाने का एक बहाना है, बट असल में आपको क्या करना है सेवन अप क्लब्स को बॉटम में लेना है। उसके बाद एक किंग लीजिए जो ब्लैक किंग है, एक किंग लीजिए और सेम तरीका आप अपनाइए, एक पिंकी ब्रेक रखिए और जब किंग को आप ऐसे उसके ऊपर पलट देंगे तो बस ये दो कार्ड है, लेकिन दर्शक को लेगा एक कार्ड है बट असल में और दूसरे किंग को आप पलटिए, असल में आप ये देखिए ये कार्ड आपने स्टील कर लिया वहाँ से, चुरा लिया, लेकिन दर्शक को पता नहीं है। अब दूसरा कार्ड को ऐसे पलटिए और आप बोलिए कि मैं जो दो किंग हैं इसको मैं इसके बीच में आपका जो चूज किया हुआ कार्ड सेवन अप क्लब्स को यहाँ पे रखा हूँ, बट असल में सेवन अप क्लब्स आपका यहाँ पे है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कीजिए आपने दो कार्ड पकड़ रखा है और ऐसे करके टेबल में रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैजिकल जेस्चर करना है और सारे को एक साथ स्क्वायर अप कर देना है। अब आपका दो किंग के बीच में दो रेड किंग है, लेकिन दर्शक को लग रहा है कि उनका चूज किया हुआ एक कार्ड है। फिर आप क्या कीजिए, दोनों जो किंग हैं इसको आप थोड़ा सा ऐसे स्लाइड कर लीजिए और जब आप टैप करेंगे तो दोनों किंग एक साथ निकल आएंगे। ये असल में दोनों किंग एक साथ निकलने में ज़्यादा इम्प्रेसिव रहता है, लेकिन मैंने जब परफॉर्मेंस दिया था उस टाइम पे एक ही निकला था, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक बहुत पावरफुल है और जब आप रियल स्पेक्टेटर के सामने करेंगे तो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। So thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel.